हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अपर्णास होम एंड लाइफ। होप ऑल आर डूइंग गुड। चलिए आज बनाते हैं DIY पिग्गी बैंक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सॉल्ट का डिब्बा लिया है। USA में सॉल्ट ऐसे ही जो डिब्बा आता है कार्डबोर्ड का, उसी में आता है फिल होके। तो ये जो बॉक्सेस है मैं स्टोर करके रखती हूँ, इससे बहुत अच्छे अच्छे और यूज़फुल DIYs और ऑर्गेनाइज़र्स आप बना सकते हो। तो इसके ऊपर का जो कवर है वो मैंने निकाल दिया है और अंदर बहुत ही क्लीन ये कार्डबोर्ड है और बहुत ही स्टर्डी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो प्रिंगल्स और चिप्स के जो बॉक्सेस आते हैं उससे भी आप यूज़ कर सकते हो। और उसके ऊपर के तरफ स्लिट बनाने के लिए मैंने एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ कर दिया है और एक नाइफ़ की शार्प नाइफ की हेल्प से मैं इसे कट कर दूँगी, जिससे कि इसमें अच्छे से ईजिली नोट जा सके। तो बस इसको मैंने स्लिट करके कट कर दिया है। एक मैं बना रही हूँ, एक मेरी बड़ी बेटी वो खुद बनाएगी, तो ये मैं मेरी छोटी बेटी के लिए बना रही हूँ। तो सेम ऐसे ही दोनों बॉक्सेस के लिए हमने स्लिट्स की है और अभी वाइट एक्रेलिक पेंट से मैं इसे कलर करूँगी। आप चाहो तो जैसो भी यहाँ यूज़ कर सकते हो या एक्रेलिक पेंट। तो एक्रेलिक पेंट से अच्छे से मैंने पूरा जो बॉक्स है उसको मैंने अच्छे से कवर कर लिया है और उसे अच्छे से हमें सूखने देना है। और वाइट बेस देके अच्छे से उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। और फिर मैंने पेंसिल से ऐसे ही रैंडम से मैंने घर जो छोटे छोटे घर हैं हट टाइप्स वो मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। तो बस आप इस पे कोई भी पैटर्न आपको जो चाहे वो पैटर्न बना सकते हो। इसको इस पे चाहे तो आप ट्रांसफ़र शीट का यूज़ करके भी कोई भी डिज़ाइन या फ़ोटो ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर डेकोपाज का टेक्निक यूज़ कर सकते हो, या फिर फ्री हैंड आप कोई भी ड्राइंग या पैटर्न इस पे ड्रॉ कर सकते हो, डायरेक्टली पेंट कर सकते हो। ऑप्शंस कई सारे हैं। तो मैंने पेंसिल की हेल्प से ऐसे ही रैंडमली छोटे छोटे जो घर होते हैं वो मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिए हैं और बस जो भी कलर्स मेरे मन में आए उसके अकॉर्डिंग मैं उन्हें कलर करते गई। तो जो घर का छत है उसको मैंने ब्राउन रखा है और वो जो रूम्स है मैंने ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ करके कलर कर दिया है। तो किसी को रेड किया है, किसी को येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेंट कलर्स यूज़ करके मैं इसे पेंट करती गई। मेरे चैनल में और भी कई सारे DIYs ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस हैं। मदर्स डे के लिए भी मैंने दो वीडियोस पोस्ट किए थे। वो आप मदर्स डे पे ही नहीं, कभी भी आप वो किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। बस जो वर्डिंग्स है वो चेंज करके आप बना के दे सकते हो। मोबाइल और टैब से आप ट्रेस कैसे इजीली कर सकते हो वो भी मैंने बताया है डिटेल में। तो अगर आपने वीडियो चेक नहीं किया है तो डू चेक आउट। किचन ऑर्गेनाइजेशन और होम डेकोर रिलेटेड भी DIYs है, लाइफस्टाइल और रूटीन ब्लॉग्स, लाइफ इन USA, बहुत सारे होममेड रेसिपीज़ ऐसे वीडियोज़ में मेरे चैनल में अपलोड करती हूँ। तो एक बार मेरा चैनल ज़रूर विज़िट कीजिए और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में लिखिए कि आपको ये पिगी बैंक का आइडिया कैसा लगा। तो बस मैं रैंडमली सबको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ कलर करते गई और जैसे जैसे उस पर कलर्स फिल होते गए वो बहुत ही प्रिटी और ब्यूटीफुल दिख रहा था। बच्चों को भी आप ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हो, उनके छुट्टियों के टाइम या वीकेंड्स में उनको भी चेंज रहेगा एंड दे विल एन्जॉय। और वो जो घर है उनके बीच में जो गैप्स है वहाँ पे फिल करने के लिए मैंने ब्लू में थोड़ा वाइट मिक्स करके एक स्काई ब्लू कलर से मैंने फुल कवर कर दिया था। इसी तरह मैंने नीचे पूरे बॉक्स में ऐसे रैंडमली पैटर्न्स बनाए और सेम यही मैं फॉलो करती गई। तो मैंने पूरा ड्रॉ कर लिया है और बस मैं अभी कलर करते जाऊंगी।
तो सारे ही पैटर्न्स को मैंने कलर कर लिया है। अभी रैंडम में कंट्रास्ट कलर्स लेके उन सारे घरों में खिड़कियाँ और दरवाजे मैं पेंट करूँगी। तो कुछ घरों में मैंने पेंट यूज़ करके ही खिड़की दरवाजे बनाए हैं और बाकी में जो शार्पी का पेन है उससे मैंने किया है। और इन सारे घरों को हाईलाइट करने के लिए मैंने शार्पी का ही पेन यूज़ किया है। उससे अच्छे से मैंने सारे घर को अच्छे से बॉर्डर करके हाईलाइट किया है। और जैसे जैसे शार्पी के हेल्प से घर को हमने हाईलाइट किया है, समझ में आ रहा है कि ये सारे छोटे छोटे घर हैं, वरना इतना ज़्यादा पहले क्लियर नहीं समझ आ रहा था। आप चाहो तो ब्लैक पेंट की हेल्प से, ब्रश के हेल्प से भी आप कर सकते हो। मेरे पास शार्पी पेन था तो मैंने यूज़ कर लिया। और सारे घरों में मैंने दरवाजे और खिड़की ऐसे बना लिए हैं और जो छोटे छोटे घर हैं ऐसे पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो बस ये हो गया हमारा क्यूट सा क्यूट लिटिल DIY। और वन्या ने खुद अपने लिए एक बनाया था, उसने कुछ आर्ट पेंटिंग उसमें की थी। और स्निग्धा के लिए मैंने ये वाला पैटर्न चूज़ किया। तो बस बन गया हमारा DIY पिगी बैंक और बच्चों ने इसमें पैसे भी डाल दिए हैं। तो बस यही था आज का छोटा सा वीडियो। अगर आप ये आइडिया ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मेरे चैनल में और भी कई सारे कंटेंट्स हैं, डू चेक आउट, कंसीडर सब्सक्राइबिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, टेक केयर एंड बाय बाय।